भाई पटेल जी ने पूरे राष्ट्र को एकता का एक अच्छा संदेश दिया, वो सब उन्होंने किया कैसे? देखिए, हमारे देश में बड़ी एक समस्या रही, अंग्रेजों ने बना के रखी हमारे लिए समस्या, और हमारे बहुत सारे साथी जो कि जिन्हें बहुत ज़्यादा इतिहास मालूम नहीं है या आधा इतिहास हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ों ने आके इस देश को जोड़ा था। अब ये बात बिल्कुल बेमानी बेहूदी किस्म की है, क्योंकि इस पूरे देश में लगातार एक ही कल्चर रही है, काफ़ी कल्चरल यूनिटी है, लोग आपस में इकट्ठे मिलके काम करते रहे हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल यूनिटी का सवाल है, तो पॉलिटिकल यूनिटी के तौर पे पहली बार ऐसा हुआ था जब अंग्रेज़ों ने ये इतना बड़ा एक सिंगल स्टेट सिस्टम लगाया था। इसके पहले हमारे पास चोलों का राज्य था, जिसमें जो करीब 1600 साल चला, पर वो नर्मदा के उस पार रहा, दक्षिण की तरफ रहा, वो उत्तर में कभी नहीं आ पाया। ऐसी परिस्थिति में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे, तो अंग्रेज़ों ने एक बड़ी अजीब किस्म का अनाउंसमेंट किया कि हम इस देश के अनेक टुकड़े करके जाएंगे। एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान बन जाने दिया, उसको शह दी। दूसरी तरफ जो हमारे पास 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके बारे में उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स आपस में तय कर सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स की जो साइज़ थी वो बमुश्किल सेक्टर 17 की जितनी थी, किसी की साइज़ चंडीगढ़ के बराबर थी। इस तरह के कईयों स्टेट्स थे। अब इन सब के लिए अंग्रेज सरकार कह गई कि ये सब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसे माहौल में सरदार पटेल ने आगे बढ़ के कहा कि देखो, एक तरफ हम पाकिस्तान बन जाने देना चाहिए हमें, क्योंकि आज जिस तरह का माहौल बन गया, जिस तरह की कम्युनलिज्म, जिस तरह की सांप्रदायिकता फैली हुई है देश में, उस सांप्रदायिकता का एक ही काट हो सकता है कि यदि मुस्लिम लीग कहती है कि हमें एक दूसरा राज्य चाहिए है, तो उन्हें निकल के हो जाना चाहिए, उनको परे हटाओ, उसके बारे में बहुत किंतु परंतु ना करो, विचार अभी ना करो। दूसरी तरफ कि जो हिंदुस्तान बचता है, करीब 80% देश तब भी इकट्ठा रहता है, तो इस देश में ये जो बड़ी अजीब सी स्कीम अंग्रेजों ने बनाई है कि सारे राजकुमार अपने आप को अलग कर सकते, ये स्कीम नहीं चल सकती। इन सबको हमें समझाना पड़ेगा कि इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर सरदार पटेल ने आगे पेश किया कांग्रेस के सामने, इस स्ट्रक्चर के को लेकर फिर उस पर काम करने का भी जिम्मा पटेल को दे दिया गया, यदि तुम ये बातें कहते हो तो तुम ये बातें करके भी दिखाओ। तो पटेल होम मिनिस्टर बनाए गए, और साथ ही साथ पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। यहाँ पे बात करेंगे हम डॉक्टर राजीव जी, अगर बात करें हम वल्लभ भाई पटेल की, बात करें कि इतिहास के पन्नों को हम देखें तो वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही साधारण परिवार से थे, और इतने बड़े लेवल पर जाना, उन्होंने ये सब कैसे अचीव किया? ये बहुत कम हमारे लोगों को मालूम है कि वल्लभ भाई पटेल साधारण परिवार से तो थे ही थे, पर वो बड़े साधारण किस्म के मनुष्य थे, उनमें असाधारणता तो थी ही नहीं किसी भी तरह की। इनफैक्ट जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वो अपने परिवार के 6 बच्चों में चौथे नंबर के थे, और परिवार की मोटे तौर पे मान्यता थी कि बाकी जो लड़के हैं वो तो बड़े हाई अचीविंग लड़के हैं, बड़े सक्सेसफुल रहेंगे, ये एक लड़का है जिसमें ना कोई बड़ी आकांक्षाएं हैं, ना ये कुछ कोई करने की तमन्ना रखता है, ना ये समाज पे किसी तरह की छाप छोड़ना चाहता है। बिल्कुल साधारण सी जिंदगी ये व्यतीत करते थे। और 22 साल की उम्र में इन्होंने अपनी स्कूल पास किया, मैट्रिक की परीक्षा दे के निकले, और फिर इनके मन में ये ललक जागी कि मैं लॉयर बनता हूँ। तो यहाँ वहाँ से पैसे हासिल की, वापस आके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसी बीच में पब्लिक लाइफ में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें सैनिटेशन कमिश्नर की पोस्ट खाली हुई थी, जिसके लिए इलेक्शन होना था। तो सरदार पटेल उस दिन में ये वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते थे, तो वल्लभ भाई ने कहा कि मैं सैनिटेशन कमिश्नर के लिए चुनाव लड़ता हूँ। जब ये चुनाव लड़ने गए तो ये एक वोट से महज जीते, ये 1917 की बात है। इसी बीच में महात्मा गांधी हिंदुस्तान आ चुके थे, और जो गांधी जी थे वो मिस्टर गांधी सोशल वर्कर के नाम से जाने जाते थे। तो मिस्टर गांधी सोशल वर्कर ने कहा कि हमें देश की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए, तो वल्लभ भाई पटेल जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर बन चुके थे, सैनिटेशन कमिश्नर बन चुके थे, उन्होंने हंसते हंसते अपने दोस्तों से कहा कि ये भी कोई बात है, गांधी जी अब हमें बैठ के सलाह देंगे कि गेहूं में से दाने चुगो और पत्थर निकाल के अलग कर दो, ऐसे थोड़ी किसी तरह से पॉलिटिक्स की जाती है। फिर अक्टूबर 1917 में पटेल की मुलाकात गांधी से होती है। अगर हम बात करें तो उनमें बहुत ही, जब जैसे 22 साल की एज थी तभी इतनी ज्यादा जानते थे कि कैसे मैंने क्या, प्रैक्टिकलिटीज की तरफ इनका बहुत ध्यान था। और जब इन्होंने गांधी जी से भेंट की तो गांधी से बहुत इंप्रेस हुए, उन्होंने कहा ये मिस्टर गांधी जो है ये बहुत पते के व्यक्ति हैं, इनके पास बड़ी अकल की चीज़ है। गांधी और पटेल के बीच में बमुश्किल 6-7 साल का फर्क था, गांधी 1869 के हैं, पटेल 1875 के हैं,
और पटेल कहते हैं कि यदि मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यदि मुझे कहीं एथिकल चॉइस करनी पड़ती है, दो अलग अलग चॉइसेस आती हैं, तो उन चॉइसेस में मैं वो वाली चॉइस लूंगा जो गांधी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये बंदा एथिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली ये सबसे बढ़िया बंदा है। और बिल्कुल उसी तरह से वो काम करते चले जाते हैं। और एक समय आता है जब गांधी जी बैठ के चंपारण में एक सत्याग्रह कर रहे हैं किसानों के लिए, जहाँ उनकी दोस्ती राजेंद्र प्रसाद से होती है, राजेंद्र प्रसाद इन दोनों में एक बड़े नामी गिरामी जवान वकील हैं, और उन्हीं दिनों में खेड़ा जिले में अकाल पड़ता है और किसान कंप्लेन करते हैं कि हम लगान नहीं दे पाएंगे। तो जी गांधी ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई खेड़ा में कोई सत्याग्रह कर सकता है क्या? तो पटेल, जो कि एक वोट से जीते हुए थे अभी थोड़े समय पहले, वो आगे उन्होंने बढ़ के कहते हैं हाँ मैं ये करता हूँ। बाद में पटेल एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने बड़े सोच समझ के इस ये कदम उठाया था, क्योंकि ये कदम उठाने का मतलब था कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को त्यागना पड़ेगा, जो मेरी पिछली ज़िंदगी है, वकालत वाली ज़िंदगी है, पॉलिटिक्स वाली ज़िंदगी है, वो हटा के समाज की सेवा करनी, समाज जनता की भलाई करने का जी काम करना डॉक्टर पड़ेगा। जी, ये तो हुआ कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया, आगे आए, खुद आकर कहा कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा उनका क्या, उनका राष्ट्रपति इसमें इसमें जो देखने वाली बात है वो ये कि वल्लभ भाई पटेल किसान लीडर इस समय तक नहीं थे, जी और वो जाके किसानों को समझाना शुरू करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जो एक सबसे बड़ा मैसेज वो किसानों को देते हैं, वो कहते हैं कि जो भी आप अपनी डिमांड रखो, जिस भी तरह की आप अपनी पॉलिटिक्स खेलो, पर ये बहुत ही ज़रूरी, और वो अभी गांधीवादी नहीं बने, ये ख्याल रखने की चीज़ है, क्योंकि जी गांधीवादी बन जाओ फिर कहना जी हम अहिंसा के पालन करते, फिर तो नॉर्मल चीज़ हो गई। वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि गांधीवादी बनने की आपको आवश्यकता नहीं, पर आपको पॉलिटिक्स में वायलेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं, पूरे अहिंसक तौर पे आप अपनी पॉलिटिक्स करोगे। और जी वो पॉलिटिक्स करते हुए एक साल के भीतर बिल्कुल सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो जाता है खेड़ा सत्याग्रह का, और किसानों का लगान माफ़ कर दिया जाता है, जो लगान है उसके रेट कम कर दिए जाते हैं। तो इसेंशली जो देखने वाली बात हमारे लिए वो ये है कि एक ऐसा आदमी था, बड़े लाइक कम उम्र का व्यक्ति है अभी, ये एक ऐसा आदमी था जो कि हजारों लोगों को इकट्ठा लेके एक साथ मिला के काम कर सकता था। आपका सवाल था कि एकता कैसे लाते हैं, जी तो वो यहाँ पे इकट्ठे मिलके अनजान लोगों को कह सकते थे कि भाई हमारे साथ चलो, और वो जो अनजान व्यक्ति थे इन पे विश्वास कर रहे थे कि हाँ ये अच्छा आदमी, हमें इसके साथ चलना चाहिए, ये जो बात कह रहे हैं इसके साथ में, इसमें मन मिला के चलना चाहिए। और यही बात सरदार पटेल बाद में भी करते, उनको सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के कारण मिलती, जहाँ लाखों किसानों को इकट्ठा करते हैं, ये 1928 में होता है। पर जब देश को जोड़ने वाली बात आती है, और वो प्रिंसली स्टेट्स को, राजकुमारों को इकट्ठा करने की बात आती है, तो पटेल बिल्कुल यही करते हैं। वो हर राजकुमार को न्योता देते हैं कि आप हमारे यहाँ आएं और मेरे साथ में चाय पी के जाइए, और वो एक अकेले आदमी से बात नहीं करते, वो 2500 लोगों को बुलाते हैं, एक साथ न्योता देते हैं। ये 1947 की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1947 की, जनवरी 1948 के शुरुआती पीरियड की। वो इन लोगों को न्योता देते हैं, इनके साथ चाय पीते हैं और इनको खाना खिलाते हैं, डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सारी पार्टीज उनका जो औरंगजेब रोड तो पे घर है सर, वहां होती हैं। ये सब चल रहा था, तो ये सब उनके पीछे एक उनका एक मोटिव था कि मैंने राष्ट्र को एकता में बांध दिया। राष्ट्र को एकता में बांध देना तो है ही है, साथ में ये था कि सारे लोगों को साथ लेके चलना है, जी किसी के साथ दमदाटी नहीं करना, किसी के को डराना धमकाना नहीं है, सबको इकट्ठा मिला के चलना है। और यूनिवर्सली यूनिक तौर पे 565 राजकुमारों में से 562 राजकुमारों को ये बात समझ में आ गई कि पटेल क्या बोल रहे थे। और इसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए एक बात जो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि केवल हिस्टोरियंस को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता। इन राजकुमारों के पास 2.5 लाख आदमियों की फौज थी। ये वो फौज थी जो अभी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निकली हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको बड़ा एक्सपीरियंस था फाइटिंग का, और ये बड़े इलीट ट्रूप्स माने जाते थे। तो यदि राजकुमार कहते कि हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं जुड़ना, तो हम अलग हो जाते, हमारी फौज आपकी फौज से लड़ाई करने को तैयार है, तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। और पटेल ने सबको कन्विंस किया कि देखो तुम्हारी भी भलाई इसमें, हमारी भी भलाई इसमें, कि इकट्ठे मिलके चलें। तो इकट्ठे मिलके चलना, राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्र के लोगों को जोड़ना, लोगों से कहना कि कैसे मिलके काम करना चाहिए, ये पटेल का एक बड़ा विशेष गुण था। और उन उसमें उन्होंने जो राजकुमार थे उनको भी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि भाई तुम्हारे साथ धक्का हो रहा है,
उनको भी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको रिजॉल्व करेंगे, आपके लिए प्री वी पर्स ऑफर करते हैं। तो उनको प्री वी पर्सेज ऑफर किए गए, उनको कन्विंस किया गया कि उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा देश में शामिल होने से। और जो ये स्टेट्स थे, इंडियन स्टेट्स थे, इनके लोगों को समझाया कि हमारे साथ मिलकर चलोगे तो पूरा देश इकट्ठा मिलकर चलेगा। और ये चीज़ बड़ी यूनिक है क्योंकि हमारे देश में रह रह के पिछले 50-60 साल में छोटे छोटे रेबेलियंस होते रहे हैं, पर ये आप नोटिस करो हर रेबेलियन का सॉल्यूशन यही रहा है कि चाहे वो असम का रहा हो, चाहे नागालैंड का रहा हो, चाहे वो आजकल कश्मीर का चल रहा है, चाहे पंजाब का हो रहा हो, कि हम लोगों को समझाते हैं कि हमारे साथ मिलकर चलो, इसी में आपकी भलाई है, और लोग मान जाते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तफर सिर्फ ये तब की बात है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज का हम प्रेजेंट सिनेरियो जो देखें तो आज हमारे पूरे राष्ट्र में कितनी भाषाएं हैं, कितनी जाति के लोग हैं, कितने धर्म हैं, तो ऐसे में राष्ट्र की एकता कैसे बनाए? आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें कि एक भाषा हो, सारे देशों में अनेक भाषाएं होती हैं। यदि हम अंग्रेजी की ही बात लें तो अंग्रेजी में भी 25-30 बोलियां हैं, और वो बोलियां कुछ इस तरह की होती है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तो भाषा लोगों को जोड़ती नहीं है, भाषा केवल एक कम्युनिकेशन का साधन है। भाषा लोगों को तोड़ती भी नहीं है, भाषा केवल एक कम्युनिकेशन का साधन बन जाती है, जोड़ती भी नहीं है, लेकिन अपने जो बात कहने का। तो जो मेन चीज़ है वो भाषा नहीं है, वो जाति नहीं है, वो धर्म नहीं है। मेन चीज़ ये है कि क्या हमारे मन में ये विचार है कि हम इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं, और जब हम इकट्ठे मिलकर काम करें तो ऐसा ना हो कि केवल एक व्यक्ति का फायदा हो, सभी के बराबरी से फायदे होते रहें। और ये आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। एक बार लोग मान जाते हैं कि सबको मिलकर काम करने से फायदा होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग मिलकर काम करते हैं। विभाजन सोचना पड़ता है। ह्यूमन कंडीशन जो है वो है सबको इकट्ठे लेके चलने की, मिलके चलने की है। पुराने ज़माने में लोग परिवार को मिला करते थे, कुछ समय बाद वो जातियों में मिलने लगे, कुछ समय बाद वो धर्म के हिसाब से अपने गुट बनाने लगे। सरदार पटेल की जो विशेषता थी वो ये थी कि उन्होंने हमारे देशवासियों से कहा कि राष्ट्र बन के रहोगे तो आप सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप डॉक्टर राजीव जी ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा पाने की जो इंसान की मनोवृत्ति है उसके कारण भी ये सब हो रहा है। जैसे कि पहले एक विद्वान ने कहा था, पहले की बात करूँ, हिस्ट्री की बात करूँ, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तब तक केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक मेरा पड़ोसी भूखा है। अरे माफ़ कीजिएगा, केक तो यदि आपके हाथ आ जाए तो आपको आपका पूरा केक खाने का अधिकार है। आप उस केक को तब तक खाइए जब तक आपका मन ना भर जाए, पड़ोसी भूखा जा रहा है तो भूखा जाने दो। हाँ, ये ज़रूर है, ये ह्यूमन प्रवृत्ति होती है कि हमें दूसरे को देख के हमारा मन करता है इसको भी हम अपने साथ मिला के चलें। तो ये जो ह्यूमन प्रवृत्ति है इसको प्रमोट करना, इसको बिल्ड करना, इकट्ठे मिल के काम करने की चीज़ को आगे बढ़ाना, और अपने अपने छोटे छोटे गुट बना के अपना मुँह सिकोड़ के एक तरफ बैठ जाना, ये इस टेंडेंसी को ज़्यादा लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं, इस टेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर राजीव, आपको पिछले लंबे वर्षों से 40 वर्षों से लगभग जो है स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं हिस्ट्री की, तो कैसे उनमें अभी 31 अक्टूबर को लेके कैसा उनमें आपसे कुछ क्वेश्चंस करते होंगे राष्ट्रीय एकता को लेके, कैसे सवाल? मैं कुछ अंडर ग्रेजुएट क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी अभी स्कूल से निकले होते हैं, उनके मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं। बिल्कुल वही सवाल जो कि आप पूछ रहे हैं, यदि इतने सारे हमारे अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं तो हम इकट्ठे कैसे हो गए? तो उनको भी मैं वही जवाब देता हूँ जो मैं आपको देता हूँ कि देखिए, आइडेंटिटी तो हमारे घर में दो भाइयों की भी अलग अलग होती है, भाई बहन की भी अलग अलग होती है, माँ बाप की भी अलग अलग होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अपनी अपनी दिशा में चला जाए। सबको इकट्ठे मिल के काम करते हुए जो फ़ायदा होता है, उसमें जो फ़ायदे होते हैं, इकट्ठे मिल के काम करने से जो मज़ा आता है, वो मज़ा आपको और पूरे परिवार को चलाने वाला एक मुखी होता है। और अपने आप को अलग एक कोने में बैठा बैठ जाने से, मुंह फुला के बैठा रहो कोई, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। उसमें उस व्यक्ति को फिर आपको आपस में मिलाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि देखिए हम सब इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि सरदार पटेल ने आपके जो 562 राजकुमारों को समझाया कि हम इकट्ठे मिल सकते हैं, तो तीन थे जो कि नहीं माने इस बात को। एक जूनागढ़ वाला था जो कि नवाब भुट्टो उसका प्राइम मिनिस्टर था, जूनागढ़ वाले राजा ने नवाब भुट्टो के सलाह में कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान चला जाता हूँ। तो
तो पटेल ने कहा कि तुम्हारा जो आदमी है यहाँ, जो साधारण जनता है, वो हिंदुस्तान की जनता है, वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है, तुम्हारा जो प्रदेश है वो पूरा का पूरा यहाँ पे है, तुम पाकिस्तान कैसे चला जाना चाहता है। और उसको समझाया कि यदि तुम बात नहीं मानते हो तो तुम्हारे ऊपर हम पुलिस एक्शन करेंगे, क्योंकि एक तरफ प्यार होता है पर दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो कि चीज़ों को तोड़ने पर आमादा हो तो उसकी तरफ सख्त व्यवहार भी करने से हिचकना नहीं चाहिए। ये सरदार पटेल ने कहा। जूनागढ़ जैसे ही उन्होंने जोड़ा तो जूनागढ़ में उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि देखिए आप हमें कश्मीर दे दीजिए तो, और जूनागढ़ आपने ले लिया तो हम कश्मीर ले लेते। तो सरदार पटेल ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई मंडी की दुकान नहीं है कि हाँ यहाँ पे हम इस तरह से एक्सचेंजेस करेंगे, कश्मीर हमारा है, जूनागढ़ भी हमारा है। और साथ ही साथ सरदार भी हमारे साथ ही आना होगा। हाँ, और साथ ही साथ जो निज़ाम था, निज़ाम ने अपनी तरफ से, हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी एक अलग से फौज खड़ी करी हुई थी जो रज़ाकार कहलाते थे। तो ये जो रज़ाकारों की फ़ौज थी, ये फ़ौज ने आके हिंदुस्तान के इलाकों पे हमला करना शुरू कर दिया। जो निज़ाम की टेरिटरीज थी वो पूरा का पूरा नागपुर डिवीज़न, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा का पूरा तेलंगाना, पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश, ये बहुत बड़ा राज्य था निज़ाम का। और निज़ाम का कहना था जी मैं यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता हूँ जिसका कमिटमेंट पाकिस्तान की तरफ है। तो और उसने अपने रज़ाकार भेजे जिन्होंने कि आके हिंदुस्तान के इलाकों पे हमला करना शुरू किया, लोग मारने शुरू किए। तो सरदार पटेल ने उसके ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया। तो ये तीन राज्य थे। कश्मीर में तो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेके हमला कर दिया वो पहले हमला कर ही चुका था बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंड, स्वतंत्रता के ठीक बाद। जो जूनागढ़ था उसको पुलिस एक्शन में कंट्रोल में किया गया, और हैदराबाद पे भी पुलिस एक्शन करके जो निज़ाम का प्रदेश था उसको भी बताया गया कि भाई आप आपके साथ सख्ती भी की जा सकती है, यानी प्यार से जब तक बात करते हैं तब तक प्यार से बात करते हैं, अन्यथा सख्ती भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट टू नोटिस में जो सबसे प्रमुख बात हमें ध्यान रखने की वो ये है कि जब इन सब इलाकों को अपने कंट्रोल में किया गया तो यहाँ के लोगों के का मन जीत लिया गया, और यहाँ के लोगों से कहा गया कि भाई आपने किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, आपने किसी भी तरह से ये नहीं मानना चाहिए। निज़ाम तक को प्रीवी पर्स मिलता था, निज़ाम बड़ी शाही तरीके से हिंदुस्तान में रहा, और निज़ाम ने एज सून एज हैदराबाद हिंदुस्तान के साथ शामिल हुआ तो निज़ाम ने फटाफट बैठ के कहा कि भाई मेरे को जो मेरे मंत्रीगण थे ये मिसलीड करते थे, मंत्रीगण सब हवाई जहाज में बैठ के फुर्र हो गए, यहाँ रहे ही नहीं। और उसने कहा कि मेरे को तो समझ नहीं थी कि राज्य में क्या चल रहा है और ये रजाकार इतना ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं सब तरफ, ये भी कोई ठीक बात नहीं है जी। तो ये रहा। तो अगर बात करें हम डॉक्टर राजीव जी नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई पटेल जी के संबंधों के, कैसे संबंध? देखिए वल्लभ भाई पटेल के जो प्रमुख संबंध थे वो गांधी के साथ थे। गांधी के बारे में वल्लभ भाई पटेल का कहना था ये मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं इनका एकलव्य हूँ, मैंने कभी इनसे डायरेक्टली कुछ सीखा नहीं है, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट बना के नहीं रखता हूँ, पर जितना भी मैं करता हूँ वो सारा का सारा इस बिना पे है जो मेरी समझ है कि गांधी क्या चाहते हैं वो करता हूँ। और साथ ही साथ वो कहते थे कि जो अर्जुन है वो जवाहरलाल है, तो जवाहरलाल उम्र में इनसे सबसे छोटा भी था, जवाहरलाल अर्जुन है, मैं इनका एकलव्य हूँ। और एकलव्य होने के नाते वो ऐसा नहीं था कि वो गांधी की सारी बातें माना करते थे। जब उनको कांग्रेस पार्टी का जिम्मा दिया गया तो ये बात उठी कि पैसे कहाँ से होंगे पार्टी चलाने के लिए, तो अब ये सरदार पटेल कहलाते थे, तो सरदार पटेल ने जाके बिजनेसमैन से कहा कि भाई हमें चंदा चाहिए है। तो गांधी ने कहा कि आप कैसे, ये चंदा लेना बड़ी बुरी बात होती है, इस तरह से पैसे नहीं लेने चाहिए। गांधी ने कभी इस तरह से कभी किसी से पैसे नहीं लिए थे पॉलिटिकल एक्शन के लिए। तो पटेल ने साफ कहा कि देखिए आप महात्मा है, आपका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो महात्मा नहीं हूँ ना। ये बात उन्होंने जी डी बिड़ला के थ्रू गांधी तक पहुँचाई। इसी तरह से जब एक वाक्या हुआ जहाँ की गांधी ने कहा कि 1946 की बात है, अप्रैल मई जून जुलाई वाला पीरियड है, जिसमें कि गांधी ने कहा सरदार पटेल से कि देखो मैं चाहता हूँ कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। तो पटेल ने कहा ठीक है मैं फिर अलग हो जाता हूँ। बाद में दुर्गादास, जो चंडीगढ़ में दुर्गादास लाइब्रेरी वाले सज्जन नहीं है, दुर्गादास जी ने गांधी जी से बताया कि मैंने गांधी से 1946 में साफ पूछा कि आपने नेहरू को क्यों चुना। तो गांधी ने कहा कि मैंने नेहरू को इसलिए चुना क्योंकि यदि मैं जवाहरलाल को नहीं चुनता तो जवाहरलाल सेकंड पोजीशन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो एक अकेला अंग्रेज है हमारे, मेरे कैंप में, मेरे खेमे में, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और पटेल ने, चूंकि गांधी कह रहे थे इसीलिए पटेल नेहरू के साथ मिलकर काम करने लगे। सन 1947 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर चुका था और पाकिस्तान के साथ जो नेहरू जी का जो रिलेशनशिप था, नेहरू जी उसको कहीं भी क्रिस्टलाइज करके सिस्टमेटाइज नहीं कर रहे थे।
तो पटेल ने एक मर्तबा बड़ा गुस्सा होके उन्होंने कहा कि फिर बेहतर यह कि मेरे को रेजिग्नेशन दे देना, तो मैं क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बन पे मैं क्या करूँगा। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी ने पटेल को बुलाया, नेहरू को बुलाया, और पटेल से उन्होंने एक प्रॉमिस लिया कि तुम नेहरू के साथ काम करोगे, जवाहरलाल के साथ दोस्ती बना के रखोगे, जवाहरलाल के साथ काम करोगे और इस तरह से रूठोगे नहीं। और सवेरे का समय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रॉमिस किया और इसीलिए गांधी जी अपनी जो प्रार्थना सभा थी उसमें आने में थोड़ा सा लेट कर गए। जैसे ही प्रार्थना सभा शुरू हुई यूँ ही गांधी जी को किसी ने गोली मार दी। तो वल्लभ भाई पटेल ने जो अपना आखिरी प्रॉमिस किया था गांधी को, उन्होंने कभी वो तोड़ा नहीं, उसको पूरा किया और नेहरू के साथ मिल के लगातार काम करते रहे। अच्छा, ऐसे बताइए कि डॉक्टर रजीत जी, अगर मैं बात करूं वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली, वो कब और कैसे? 1928 में मिली उपाधि, किसी ने दी नहीं, अपने आप निकल कर आई। इसलिए आई निकल कर क्योंकि जिस तरह से खेड़ा सत्याग्रह में बात हुई थी, खेड़ा में फैमिन पड़ा था, अकाल आया था और लगान को लेकर लड़ाई छिड़ी थी, इसी तरह से बारडोली ज़िले में भी, गुजरात के बारडोली ज़िले में अकाल पड़ा था। और अभी वल्लभ भाई पटेल पॉलिटिक्स में आ गए थे पर गांधी के साथ मिलकर थोड़ा सा काम करते थे, इंडिपेंडेंटली वो केवल कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, कोई बहुत उनका बड़ा नाम नहीं था। तो वल्लभ भाई पटेल ने फिर से ऑफर किया कि मैं जाके बारडोली के किसानों के साथ मिलकर कुछ ऐसा चलाता हूँ ताकि उनका लगान माफ़ हो सके। तो उन्होंने आके किसानों से बातें की, तो किसानों को इकट्ठा किया, कई लाख किसानों को इकट्ठा किया, खेड़ा में तो कुछ हज़ार थे, बारडोली में कई लाख लोगों को इकट्ठा किया। और बारडोली में किसानों के साथ साथ उन्होंने जो समाज के बाकी सदस्य थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, स्कूल के टीचर्स थे, उनको इकट्ठा करके शामिल किया किसानों के साथ। और इस पूरे को करते करते सरदार हमारे यहाँ लीडर को बोलते हैं जो आगे बढ़ के लीड कर सके। तो जब वो ये सारी प्रोसेस कर रहे थे तो धीरे धीरे लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि भाई सरदार वल्लभ भाई के पास जाओ, सरदार वल्लभ भाई के पास जाओ, अपने आप सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम पड़ गया। तो लोग कहते हैं कि गांधी ने दिया, गांधी ने नहीं दिया, पटेल सबका सरगना है, पटेल सबका सरदार है, पटेल जो कहता है लोग वो करते हैं, ये बात आ गई। वल्लभ भाई का जो नाम था वो अब सरदार वल्लभ भाई हो गया। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि उनका अपना एक किरदार था, उस किरदार में से अपने आप ये बन पाए उनका, जो उन्हें ये उपाधि मिली है सरदार की, जो उनके काम थे उनके कामों की वजह से, उनके कर्मों की वजह से सरदार की उपाधि आई है, गांधी ने उन्हें ये उपाधि नहीं दी। बिल्कुल सही बात है जी। तो डॉक्टर राजीव, अगर हम बात करें आने वाले 31 अक्टूबर को जो हम मनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही है? ये तो आपको बेहतर सरकार बता सकेगी, पर हाँ ये ज़रूर है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े एंथुजियास्टिकली इसमें के बारे में सोच रहे हैं। इसका जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई वो ये थी कि लोगों ने एक्टिवली सोचना शुरू किया कि सरदार पटेल के विचार क्या थे और जो देश की यूनिटी की बात है, एकता की बात है, ये एकता कैसे आनी चाहिए। क्योंकि जैसा आपने पहले इंगित किया, हमारे देश में यदि हम नज़र उठा के देखें तो ऐसा आभास होता है मानो बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो क्या, और हर वक्त ये सवाल उठता है क्या ये डिविजन्स ठीक हैं या ये डिविजन्स नहीं होने चाहिए। तो उसका जो जवाब निकल के आता है जब आप उनके ऊपर विचार करना शुरू करते, जब तक आप विचार ना करो तब तक तो यही बात आती कि यदि मैं एक भाषा बोलता हूँ आप दूसरी भाषा बोलते तो हम दुश्मन हैं, मेरा एक धर्म है आपका दूसरा धर्म है तो हम दुश्मन हैं। जब आप विचार करना शुरू करते हो तो ये बात निकल कर आती है कि अरे हम तो सब एक मिलकर काम कर सकते हैं, हमारे तो इतिहास में इकट्ठे मिलकर काम करने की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा रही है। और ये कहना कि हमारी आइडेंटिटी तभी बनेगी जब हम एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, इस बात को नकारा जाता है और इस बात को साइड पे रखा जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि हमने यूनिटी एकता की चर्चा करनी शुरू कर दी। जब तक हम एकता की चर्चा नहीं करते थे तो जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी थी वो टेंडेंसी थी कि हम आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ एक इकट्ठे मिलकर काम करने को ही नहीं था। हम कहते थे जी हम सरकार का मोह जोहते रहेंगे, हमारे घर के सामने की गली क्यों नहीं साफ हुई सरकार को बुलाओ जी, हमारे बगीचे में पेड़ ठीक से नहीं लग रहा सरकार को बुलाओ जी। देखना होगा कि हमने क्या करना, हमारी ड्यूटीज क्या है। अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज, मुझे पता नहीं ड्यूटीज है कि नहीं, मुझे तो ये पता है कि ये साधारण किस्म के सोच विचार की चीज है। मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वो इलाका साफ रखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक चलता हो, मुझे इसमें ड्यूटीज तो आई ही नहीं। और इसीलिए ये ड्यूटीज के ऊपर सवाल उठा था संविधान सभा में, और संविधान सभा में लोगों ने कहा था कि भाई यदि आप अच्छे आदमी बनके रहते हो तो आप अच्छे तरीके से काम करोगे, आप ऐसा थोड़ी सोचोगे कि कोई आपके लिए काम कर दे। और इसीलिए ड्यूटीज कॉन्शियसली नहीं डाली गई थी,
ये तो तब डालनी पड़ी जबकि लोग आपस में सिरफड़वल शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय में लगातार भेद कर रही थी लोगों के बीच में, लोगों को बांटती चली जा रही थी। और ऐसी बांटती हुई परंपरा में यदि लोग बंट रहे हैं और बंटवारे में झगड़े चल रहे हैं तो हर कोई चाहेगा कि मेरे को इसका ज़्यादा झपट्टा मिल जाए। वो जो केक वाली आपने बात उठाई थी वो यहाँ बिल्कुल लागू होती है कि केक के दो हिस्से होते हैं, दो तरीके से केक खाई जा सकती है। एक की सारी केक मैं ढकोस जाऊँ, दूसरा कि आप और मैं दोनों मिलके केक खा लें। मैं उतनी केक खाऊँ जिसमें मेरे को खुशी हो, आप उतनी केक खाओ जिसमें आपको खुशी हो, और यदि हमें साथ में लोग मिलते हैं तो उनको भी अपने साथ शामिल कर लें। हाँ, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देख, सोचने वाली बात है कितने में, किस में ज़्यादा मज़ा आता है, ये सरदार पटेल ने हमें सिखाया। डॉक्टर जी, एक आखिरी और अहम सवाल आपसे कि हमारे देश में इतनी जातियाँ हैं, इतनी धर्म हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकता वाला जो सवाल है वो नहीं है। वो तो इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेवार ठहराते हैं। राजनीतिक पार्टियों को तो मैं जिम्मेवार नहीं ठहराता हूँ। हाँ, ये जरूर बोलता हूँ मैं कि यदि हम साधारण सी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं उनके ऊपर विचार नहीं करेंगे, एकता और विभाजन के सवाल पर विचार नहीं करेंगे, तो जो विभाजन की शक्तियाँ वो ज़्यादा प्रबल होती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एकता के सवाल पर चर्चा करनी चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति सारा राष्ट्र की संपत्ति दबा के बैठ जाए या सभी कुछ कर ले, पर और ये भी ना हो कि यदि मैं जो करना चाहता हूँ मुझे करने से रोका जाए। यदि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे सबकी भलाई होती है तो साधारण नागरिक के तौर पे मेरे लिए संभावना होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं होना चाहिए मुझे कि इस अफसर को घूस खिलाओ, उस वाले को घूस खिलाओ, तीसरे को घूस खिलाओ, मुझे इससे मुक्ति चाहिए है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सरदार पटेल क्रिएट करके गए हमारे लिए, उस सिस्टम में हमारे पास ये संभावना बन गई कि हमारे पास एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी आएगी जो प्रोफेशनली काम करेगी। अन्यथा हमने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखा ही हुआ है जहाँ की ना उनके पास किसी तरह की सरकार चलती है, पूरी तरह से लठमार चलता है। सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा, लठमार तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, उससे देश नहीं बनता। देश बनता है हर किसी को बराबरी का मौका देने से, हर किसी को संभावना बता देने से कि आगे बढ़ के यदि वो मेहनत करेगा तो उसको फल मीठा मिलेगा। जी, थैंक यू डॉक्टर राजीव जी, आपने बहुत से अच्छे विचार हमारे दर्शकों